Hello, bichon. Let's read the question. Present question, assertion and reason, those statements were based in. So, bichon, assertion mein kaha gaya the position time graph of a uniform motion in one dimension of a body can have negative slope. And reason mein kaha gaya when the speed of body decreases with time, the position time graph of the moving body has negative slope. So, बच्चों सबसे पहले तो हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम एंड वाई एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की पोजीशन और अब इसमें एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेंगे जो कि नेगेटिव स्लोप रखता है बिकॉज यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एक ऐसा एंगल थीटा बना रहा है जो कि मोर देन 90 डिग्री है तो ये एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो हम देख सकते हैं कि हमें टेन 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें जो टैन की वैल्यू मिलेगी वो निगेटिव मिलेगी तो बच्चों ये क्या बता रहा है कि पार्टिकल में इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस जा रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ में नेगेटिव स्लोप होगा तो और हम बोल सकते हैं इसको कि निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्लोप निगेटिव होगा तो बच्चों यहाँ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेफिनेटली कि जो एजर्शन है वो ट्रू है अब जब हम रीजन देखेंगे तो रीजन में बताया गया है कि पार्टिकल की जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है स्पीड डिक्रीज होना मीन्स क्या आ जाएगा बच्चों रिटार्डेशन आ जाएगा और ये रिटार्डेशन रीजन के अकॉर्डिंग क्या इंडिकेट कर रहा है कि तब पोजिशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो निगेटिव होगी सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रीजन इज फॉल्स सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी थैंक यू